Example 2. Consider the problem assigning 5 operators to 5 machines. The assignment costs are given as follow. Assign the operators to different machines so that total cost is minimized. ये क्या है हमारे operators, ये हमारी क्या है machines. Then इसको हम solve करते हैं. पहले क्या था हमारा step, row reduction. इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 3, 5, 2 और यहाँ पे हमारा सबसे छोटा 2 और यहाँ पे last row में 2. Then यहाँ पे हमने लिख दिया. Next step में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. 10-3 7, 3-3 0, 10-3 7, 5-3 2, 7-3 4. ऐसे हम सारे माइनस कर देंगे. देन तो हमारा ये मैट्रिक्स बन गया. अब हमने क्या चेक करना है, कॉलम रिडक्शन. इसमें सबसे मिनिमम क्या है, 0, इसमें भी 0 0, यहाँ पे सबसे मिनिमम क्या है, 2, और यहाँ पे सबसे मिनिमम क्या है, 2. देन हम माइनस कर देंगे ये लाइन एज इट इज, ये भी लाइन एज इट इज और ये भी एज इट इज. 2-2 0, 6-2 4, 7-2 5, 5-2 3, 10-2 8. सिमिलरली 4-2 2, 4-2 2, 8-2 6, 2-2 0, 10-2 8. अब हमें क्या देनी है, असाइनमेंट. पहले रो में कितनी जीरो है, 2 0, तो इसको छोड़ देंगे. और सेकंड में क्या है, 1 0, देन इसको हमने असाइनमेंट दे दी. और उसके बाद थर्ड में 1 0 है, देन यहाँ पे असाइनमेंट दे दी. फोर्थ में हमारी 2 0 है, देन इसको हम छोड़ देंगे. फिफ्थ में क्या है हमारी, ये कोई 0 नहीं बची, देन इनको छोड़ देंगे. देन फिर से कॉलम वाइज इसको असाइनमेंट दे दी, इसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमने दे दी थी. और इसके बाद यही लास्ट वाली, देन हमने क्या लगाने हैं, टिक. इफ दिस रो कंटेन नो असाइनमेंट, कौन सी रो है, कोई असाइनमेंट नहीं है, फिफ्थ रो, देन टिक दैट रो. इफ दिस रो कंटेन सिंपल 0, सिंपल 0 कंटेन कर रहा है, यस कर रहा है, देन टिक दैट कॉलम. इफ दिस कॉलम कंटेन असाइनमेंट, देन टिक दैट रो. कहाँ पे कंटेन कर रहा है, यहाँ पे, देन टिक दैट रो. अब हमारी अनमार्क्ड रो कौन सी है, 1, 2 एंड 3. यहाँ पे हमने लाइन लगा दी और मार्क कॉलम, यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी. जहां पे हमारे लाइन एंड क्रॉस बन रहा है वहां पे हमने सर्कल लगा दिया. सबसे मिनिमम कौन सा है हमारा, 11, 16, 5, 14, 4, 8. 4 सबसे छोटा है, देन हम 4 को माइनस कर देंगे. जहां पे हमारा सर्कल बन रहा है वहां पे हम ऐड कर देंगे. देन क्या बना हमारा, 7, 0, 7 प्लस 4 इज 11, 0, 2. ये हमारा एज इट इज, ये लाइन भी एज इट इज, बट यहाँ पे हमारा सर्कल बन रहा है तो 6 आ गया. 11-4 इज 7, 16-4 12, 0 एज इट इज. 5-4 1, 6-4 2. देन ये लाइन भी एज इट इज. और 14-4 10, 4-4 0, ये एज इट इज 0. 8-4 4. बस हमने क्या करना है, जहां पे हमारी बच रही है वहां पे हमने माइनस कर देना है, जहां पे हमारा सर्कल बन रहा है वहां पे हमने ऐड कर देना है. यहाँ पे क्या बन रहा था हमारा सर्कल, 0 प्लस 4 इज 4. जहां पे हमारा क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. अब हमने फिर से असाइनमेंट देनी है. पहली में 2 0 है तो इसको छोड़ देंगे. सेकंड में 1 0 है तो इसको असाइनमेंट दे दी. देन थर्ड पे असाइनमेंट, फोर्थ पे असाइनमेंट और फिफ्थ पे असाइनमेंट. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 0 कैंसिल, देन हमारी ये असाइनमेंट आ गई. नाउ हमें गिवन क्या था, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने असाइनमेंट दे दी, 5, 5, 2, 4, 6. अब हमें क्या चेक करना है, O1 अप्रोचेस टू M4, O2 M1, O3 M3, O4 M5, O5 M2.
अब हमने ऐड कर देना है 5 + 5 + 2 + 4 + 6, कितना आ गया 22। ये हमारा आंसर है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।